गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स पोर्शन, May 21, November 21 सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जो जिन लोगों ने स्पेसिफिकली रजत मोघ टैक्स क्लासेस से क्लासेस ली हैं 2021 के लिए, मे या नवम्बर 21 के लिए, क्या उन लोगों को भी ये लेक्चर करना है? द आंसर इज येस, करना है। ऑल्दो आपको रिवाइज्ड न्यू लेक्चर्स मिले हैं ऑल टुगेदर, उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट्स कवर्ड थी। ये जितनी भी मैं बातें करूंगा आप लोग ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कर चुके हैं, बट मैं फिर भी स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस लेक्चर को भी देखें। दो रीजन है इसके। फर्स्ट, एक तो आपको सारी अमेंडमेंट्स एक ही प्लेस पर मिल जाती हैं। दूसरा, एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं रीसेंट अमेंडमेंट्स जो भी आई हैं, रीसेंट अपडेशंस जो भी आई हैं, उसमें से क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो आप, हम लोग जनरली देखते हैं कि 15% से 20% जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दे आर रिलेटेड टू दीज अमेंडमेंट्स। तो आपको ये अमेंडमेंट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे से आनी ही चाहिए, ठीक है? यू शुड बी परफेक्ट इन दोज अमेंडमेंट्स। इसी तरीके से मैंने ये हैंडआउट तैयार करा है, ऑलमोस्ट 46 पेजेस हैं, ठीक है? यू कैन डाउनलोड दिस PDF फाइल, एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप इसको प्रिंट भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी स्टूडेंट्स इसको प्रिंट कर लें, काफी अच्छा रहेगा। सर, ये 46 पेजेस का है, काफी ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर मैं सिर्फ अमेंडमेंट्स ही डिस्कस करता तो ऑलमोस्ट वो 15 से 18 पेजेस में कवर्ड हो जाती, बट मैं आपको मैक्सिमम अमेंडमेंट के साथ कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पता चले कि आप उसको अपने क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। इसीलिए ये थोड़ा हैंडआउट ऑलमोस्ट डबल पेजेस का हो गया है, 46 पेजेस का, बट स्टिल इट्स ओके। आप इस लेक्चर को करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? जितनी भी रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस पहले ली थी नवंबर 2020 या दिसंबर 2020 के लिए, उन लोगों के लिए तो मेजरली है कि आपको तो ये अमेंडमेंट्स करनी ही है, ठीक है? शुरू करें। सेकेंड पेज पर आप इंडेक्स देख सकते हैं, जहां जहां पर अमेंडमेंट्स आई हैं मैंने उसको चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो विल प्रोसीड इन द सेम मैनर, 1 से लेकर 12 तक चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस का है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है एक। कुछ चैप्टर्स होंगे जहां पर बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, बट फिर भी हमें करनी तो है। बट कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, सैलरी में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, स्पेसिफिकली TDS में या TCS में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और 12th तो पूरा ही अमेंडेड है, जो नया ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट स्कीम आई है इंडिविजुअल और HUF के लिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी अमेंडमेंट्स। फर्स्ट हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे। सो रेसिडेंशियल स्टेटस में काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, एंड आई एम बिलीविंग कि एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? MCQ बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। मैं पहले आपको कुछ पुराने लॉज बता देता हूँ कि पुराने लॉज क्या थे। हो सकते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा भूल रहे होंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग कैसे डिटरमाइन करते थे इंडिविजुअल के लिए। तो नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ, ठीक है? इसको नोट कीजिएगा, थोड़ी देर में नोट कर लीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए, फिर आपको इसको नोट भी करना है, पुरानी चीज आपको रिवाइज भी हो जाएंगी साथ साथ। हम लोग इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी भी SSC के लिए देखते हैं कि वेदर दैट इंडिविजुअल या कोई और SSC इज अ रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। और स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिविजुअल के लिए बातें करता हूं तो इनके लिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस। और रेसिडेंट, अगर इफ एन इंडिविजुअल बिकम्स अ रेसिडेंट, फिर हम फर्दर देखते हैं वेदर ही इज एन ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी। याद आता है थोड़ी थोड़ी बातें? ये नॉन रेसिडेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन रेसिडेंट इज अ नॉन रेसिडेंट, दैट्स इट। सो आई कैन से कि इंडिविजुअल के लिए हम तीन कैटेगरी में वो लोग डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी बीइंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकेंड कैटेगरी
आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, थर्ड वन वॉज नॉन रेसिडेंट, ओके, हम लोग ये भी बातें करते थे जब हम स्कोप ऑफ इनकम देखते थे कि कौन कौन सी इनकम किसके हाथों में टैक्सेबल होती है, तो आपको याद होगा हम लोग कहते थे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथों में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। ग्लोबल इनकम का मतलब होता है कि जो इनकम इंडिया में अराइज होती है वो भी टैक्सेबल होगी, जो इंडिया में रिसीव होती थी वो भी टैक्सेबल होगी, जो इंडिया में अराइज भी नहीं होती, रिसीव भी नहीं होती, ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो अपनी हर इनकम के ऊपर टैक्स देता है, दैट इज ग्लोबल इनकम इनकी टैक्सेबल होती है। हाँ, कुछ डबल टैक्सेशन वगैरह की बातें होती हैं, बट इंटरमीडिएट के लिए वो डबल टैक्सेशन आपके कोर्स में नहीं है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ते हैं। तो कमिंग बैक, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए या फिर बाकी लोगों के लिए हम बोलते थे फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम जो होती थी, एनी इनकम विच अराइज या डीम टू अराइज इन इंडिया, ठीक है, अभी तक पुरानी बात है, मैंने कोई अमेंडमेंट अभी डिस्कस नहीं कर रही है, मैं तो सिर्फ अभी बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं, फिर उसके बाद अमेंडमेंट क्या है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनी इनकम विच अराइज या डीम टू अराइज इन इंडिया, कुछ इस तरह की इनकम के बारे में बातें करते थे। सेकेंड हम बातें करते थे इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड या डीम टू रिसीव इन इंडिया, इस तरह की इनकम होती थी। और तीसरे तरह की इनकम होती थी, थर्ड इज इनकम नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड इन इंडिया। इसको हम बोल सकते हैं कि आपकी ये फॉरेन इनकम है, बाहर की इनकम है, ना तो इंडिया में अराइज हुई ना इंडिया में रिसीव हुई थी। तो तीन तरह की इनकम की बातें होती थी। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हैंड्स में, नॉट ऑर्डिनरी के हाथों में या नॉन रेसिडेंट के हाथों में? तो एनी इनकम विच इज अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, जो अब इंडिया में इनकम अराइज हो रही है तो सब लोग इसके ऊपर टैक्स देते थे, ठीक है, ये भी द आंसर इज यस, टैक्सेबल होता था इनके लिए भी, इनके लिए भी, तीनों के लिए। नॉन रेसिडेंट भी इसके ऊपर टैक्स देता था, ठीक है, याद है ना, सिंपल बातें हैं। नॉन रेसिडेंट की अगर इनकम इंडिया से आ रही है तो ही हैज टू पे टैक्स ऑल्सो। सेकेंड था इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, सब लोग टैक्स देंगे, टैक्सेबल, पुरानी बातें चल रही हैं, अभी मैंने कुछ अभी नई अमेंडमेंट डिस्कस नहीं किए अभी तक, टैक्सेबल, टैक्सेबल। थर्ड टाइप ऑफ इनकम होती थी इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, नीदर अराइज इन इंडिया नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, उसके ऊपर ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो टैक्स देता था बट नॉन रेसिडेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं देता था, ठीक है, नॉन रेसिडेंट क्यों देगा उसके ऊपर टैक्स, ना तो इंडिया में अराइज हुई है ना वो इंडिया में रिसीव हुई है, तो नॉन रेसिडेंट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देता था बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्स देता था। नॉट ऑर्डिनरी के बारे में पूछा जाता था कि जो इनकम इंडिया में अराइज नहीं हुई, नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड, क्या वो इट इज कमिंग फ्रॉम एनी बिजनेस या प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया या कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कोई ऐसा है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? तो आंसर आ जाता था येस, हाँ, अगर वो बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होता था, अदरवाइज अगर इंडिया से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नॉट ऑर्डिनरी इस पर टैक्स नहीं देता था। पुरानी बातें, ये अमेंडमेंट नहीं है ये, अब मैं इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर है, तो मुझे लग रहा है कि वो बातें आपको याद हैं, ठीक है, अदरवाइज तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी भी पुरानी। ओके, तो एक काम करता हूं, मैं थर्ड वाले पॉइंट को ना दो पार्ट कर देता हूं। कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज नहीं हुई, ठीक है, कोई भी ऐसी इनकम जो इंडिया में अराइज नहीं हुई, रिसीव नहीं हुई, बट इसका बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये
या फिर वो किसी प्रोफेशन से आ रही है विच इज सेटअप इन इंडिया, एक ही बात थी। और बी पॉइंट में लिख रहा हूं मैं बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अच्छा इसका एक एग्जाम्पल दे दूं, पुरानी बातें ऑल दो, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं। यहां पर मैंने लिखा है बिजनेस नॉट कंट्रोल्ड, ठीक है, इधर यहां पर लिखा है मैंने बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, इट्स एन इंडियन कंपनी बेस्ड इन बेंगलोर, ठीक है, इंडियन कंपनी है। अगर इन्फोसिस अपनी एक और कोई सब्सिडरी या कोई दूसरी कंपनी, अपनी ही इन्फोसिस कंपनी की एक सब्सिडरी वो ओपन कर लेती है न्यूयॉर्क में लेट से, और उनका न्यूयॉर्क में ऑफिस भी है, तो और कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है इन्फोसिस के ऑफिस में, उसको सैलरी कहां पर मिल रही है? न्यूयॉर्क में। कहां पर काम कर रहा है, कहां पर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है? न्यूयॉर्क में ही, ठीक है, वहीं का कोई एम्प्लॉय है। तो दैट पर्सन, उसकी इनकम ना तो इंडिया में राइज हो रही है ना इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है, बट वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड हो रहा है, ठीक है, इन्फोसिस इज गेटिंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं कि इंडिया में राइज नहीं है, इंडिया में रिसीव नहीं है, बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? दूसरा एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का ले लेता हूं मैं, ठीक है, न्यूयॉर्क में उनका ऑफिस है, किस कोई व्यक्ति ही इज एन एम्प्लॉय इन माइक्रोसॉफ्ट, इनकम कहां पर अराइज हो रही है? न्यूयॉर्क यूएस। रिसीव कहां पर होती है? वहीं पर ही रिसीव हो जाती है। और क्या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? द आंसर इज नो। तो ऐसी इनकम बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आई थिंक इतना सफिशियंट एग्जाम्पल आपके लिए फिलहाल। हाँ जी, अब किसी व्यक्ति की ऐसी इनकम है विच इज नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड बट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में बताइए क्या होता था? सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ टैक्सेबल था। तो इन लोगों के लिए टैक्सेबल होता था, ठीक है। और इनफैक्ट अगर कोई बिजनेस नॉट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो इन लोगों के लिए भी यहां पर ये टैक्सेबल ही होता था, क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए तो वी हैव नो प्रॉब्लम एज सच। इनकी तो हम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, इनकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, कहीं पर भी नॉन टैक्सेबल नहीं लिखा, हर जगह टैक्सेबल मैंने लिख दिया, ठीक है। नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होता था? नॉन रेसिडेंट अपनी सिर्फ दो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स देता है, विच इज अराइजिंग इन इंडिया या रिसीविंग इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट के लिए यहां पर हो जाता है नॉन टैक्सेबल। सर वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टैक्स नहीं देता इसके ऊपर, और जो इंडिया से बिजनेस कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं देगा। नॉन रेसिडेंट है, इमेजिन कीजिए नॉन रेसिडेंट है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई फिरंगी व्यक्ति है, तो ही इज वर्किंग इन यूएस इन अ यूएस कंपनी, वो इंडिया में क्यों टैक्स देगा भाई, कोई मतलब ही नहीं होता। यहां पर नॉट ऑर्डिनरी के लिए बातें इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट यहां पर ही अमेंडमेंट है। इस केस में इफ दिस बिजनेस इज, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इनकम नीदर अराइज नॉट रिसीव्ड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो यहां पर होता था टैक्सेबल, इधर तो हो जाएगा टैक्सेबल और इधर हो जाएगा नॉन टैक्सेबल, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं पूरा टेबल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये बिल्कुल पुरानी बातें थी, मुझे लगता है ये आपको पता है ये बातें। ठीक है, अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, ऑल दो मैंने बुक में दिया है, अगर आप चाहें तो यहां पर आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इतनी बात है, आपको पुरानी बातें भी याद हो जाएंगी और धीरे धीरे हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया इसको, ओके, कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। हम लोग जब रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते थे तो हम लोग बेसिक कंडीशंस देखते थे और फिर एडिशनल कंडीशंस देखते थे। सबसे पहले वो बेसिक कंडीशंस एक बार देख लेते हैं, वेदर द पर्सन इज रेसिडेंट और नॉट। तो बेसिक कंडीशंस, दो बेसिक कंडीशंस में से अगर आप कोई भी एक, एनी वन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो विल से दैट पर्सन इज अ रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर,
क्या बेसिक कंडीशन थी? फर्स्ट बेसिक कंडीशन थी अगर मिनिमम 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर अगर असेसी इंडिया में है तो हम उसको रेसिडेंट मानते थे। अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा का नहीं है, बट दूसरी कंडीशंस होती थी 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर, ठीक है, पुरानी बातें चल रही हैं, अभी तक मैंने कुछ भी नया डिस्कस नहीं किया है, 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 इयर्स, याद आता है आपको, इन प्रीसीडिंग 4 इयर्स। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते थे तो हम रेसिडेंट कहलाते थे। फिर हम बाद में एडिशनल कंडीशंस देखकर देखते थे कि ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी, बट पहले अभी बेसिक कंडीशन से ही हम लोग देखेंगे। बेसिक कंडीशन में कुछ एक्सेप्शंस भी थी कि कुछ लोगों के लिए ना हम 60 डेज नहीं देखते, उनके लिए हम 182 डेज ही देखते हैं। याद आता है वो तीन एक्सेप्शंस थी, यहां पर कुछ एक्सेप्शंस थी कि कुछ लोगों के लिए हम ना सीधा सीधा 182 डेज और मोर ही देखते हैं, उन लोगों के लिए हम 60 डेज वाली कंडीशन नहीं देखते। कौन कौन लोग थे ये? कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, कोई भी व्यक्ति जो इंडियन सिटीजन है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आउटसाइड इंडिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जॉब करने के लिए वो बाहर जा रहा है या फिर वो बिजनेस करने के लिए बाहर जा रहा है, उसके लिए ड्यूरिंग हम लोग 182 डेज देखते थे। दूसरा था क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, ये सारी बातें आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं और मैं आपको पुरानी बातें रिवाइज भी करा रहा हूं। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इन लोगों के लिए भी हम 182 डेज की कंडीशंस देखते थे। और सेकेंड था इंडियन सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में इनका बर्थ हुआ हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो जनरली बाहर काम करता है, ठीक है, वो हमेशा ज्यादातर बाहर काम करता है बट इंडिया विजिट पर आता है, उनके लिए हम 182 डेज की कंडीशंस देखते थे। ये एक्सेप्शंस हुआ करती थी पहले से जो चला आ रहा था, ठीक है, दीज वर एक्सेप्शन। अब टेल मी अ सिनेरियो, देयर इज अ पर्सन who has a business outside, उसका इंडिया के बाहर बिजनेस है, ठीक है, इंडिया के बाहर बिजनेस है, कंट्रोल कभी कभी वो इंडिया से कर लेता है, ठीक है, इंडिया से भी कंट्रोल हो जाता है, बट जनरली वो इंडिया के बाहर वो रहता है, और वो इंडिया के बाहर रहता है या इंडिया में वो रहता है, मैं कह सकता हूं इंडिया में उसका स्टे है, लेट से 180 डेज का, ठीक है, ही इज एन इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया में वो 6 महीने रहता है, 6 महीने सिग्निफिकेंट अमाउंट, ठीक है, 180 डेज कैसे रहता है, एक हफ्ते इंडिया में रहता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, उसकी इंडिया के बाहर उसका एक बिजनेस चल रहा है जो वो इंडिया से कंट्रोल कर लेता है। इंडिया से कैसे कंट्रोल करता है सर? एक हफ्ते इंडिया में रहता है, एक महीना इंडिया में रहता है फिर चला जाता है, एक महीने फिर इंडिया में रहता है चला गया, तो 6 महीने लगभग उसने इंडिया में रहा, 182 डेज से थोड़ा सा कम। वो व्यक्ति एक्सेप्शन में कवर्ड हो जाता है, क्यों, क्या लिखा है यहां पर, इंडियन सिटीजन है वो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया विजिट करता है, उसका बिजनेस बाहर चल रहा है, उसने बिजनेस अपना बाहर चलाया हुआ है बट इंडिया विजिट करता है, तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशंस देखते हैं सर? वो तो एक्सेप्शन में कवर्ड हो गया, तो उसके लिए 182 डेज की कंडीशंस देखते हैं, 60 डेज की देखते नहीं हम लोग, सब लोग समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोल देते हैं कि सर उनके लिए हम सिर्फ 182 डेज की कंडीशंस देखते हैं, एंड विच इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड बिकॉज हिज स्टे इन इंडिया वॉज लेस देन 182, देयरफॉर सर ही इज अ नॉन रेसिडेंट, ठीक है, सिंपल बोलेंगे सर ही इज अ नॉन रेसिडेंट। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वो यहां पर आ जाता है, तो प्लीज बताइए अगर उसका कोई बिजनेस बाहर चल रहा है, चाहे वो इंडिया से भी कंट्रोल हो रहा है तो स्टिल इट बिकम्स दैट इनकम बिकम्स नॉन टैक्सेबल। आर यू ऑल गेटिंग दिस? एक बार दोबारा से रिपीट करूं, ये अमेंडमेंट का लॉजिक है जो अब मैं अमेंडमेंट कराने वाला हूं, उसके लिए लॉजिक सिर्फ यहां पर है, इस जगह पर लॉजिक है उसका,
नॉन रेसिडेंट के लिए। जनरली जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मैं एक महीना इंडिया में रहता हूं मान लेते हैं, और एक महीना बाहर चला जाता हूं, ठीक है, ऐसा मैं करता नहीं बट स्टिल, ठीक है, एक महीना मैं इंडिया में रहता हूं फिर बाहर चला जाता हूं, फिर एक महीना इंडिया में रहता हूं फिर बाहर चला जाता हूं, तो मैं अपनी अपने नंबर ऑफ डेज की प्लानिंग कुछ इस तरीके से करता हूं कि वो 182 डेज से नीचे आ जाती है। लेट्स से 181-180 डेज आ गई, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में रहा हमें और मेरा बिजनेस बाहर, मेरा सेटअप है, लेट्स से मेरा दुबई में या किसी भी गल्फ कंट्री में, मॉरिशियस में, कहीं पर भी बिजनेस मेरा सेटअप है, उसकी इनकम आती है विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से मैं कंट्रोल कर लेता हूं उस बिजनेस को, ठीक है, नॉन टैक्सेबल में आ जाएगा, क्यों, बिकॉज आई बिकम अ नॉन रेसिडेंट, रीजन बीइंग मैं इंडियन सिटीजन हूं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं, इंडिया विजिट करता हूं, ठीक है, जनरली मेरा बिजनेस बाहर है, तो मैं बन जाता हूं नॉन रेसिडेंट, और जैसे ही मैं नॉन रेसिडेंट बनता हूं तो वेदर दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और नॉट, बट इट बिकम्स नॉन टैक्सेबल फॉर मी, उस पर इंडिया में मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आईटी इनेबल्ड बिजनेसेस हो गए हैं, स्पेसिफिकली अगर आप गल्फ कंट्रीज में देखें, ठीक है, मस्कट में देखें, ठीक है, मस्कट, ओमान, दुबई में देखें, तो काफी लोग वहां पर बिजनेस कर रहे हैं अपने, एंड उसका कंट्रोल वो इंडिया से करते हैं, ठीक है, इंडिया में थोड़ा, इंडिया से कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है, क्यों सर, आप अपने कुछ इंप्लॉयज रिक्रूट कर लेते हैं, हमारे जान पहचान के इंप्लॉयज हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप सोचिए कि हमारे जान पहचान के इंप्लॉयज हैं, इंडिया से रिक्रूट कर लेंगे, सर ऑनलाइन वो बिजनेस चलता है, ऑल्दो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है बट वहां पर कोई बिजनेस चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप, मैं बातें करूँ ना, जैसे कि यहाँ पर ओला या उबर चलती हैं, इस तरह के टैक्सी बिजनेसेस काफी ज्यादा हैं स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज में, विच आर एक्चुअली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और ऐसे लोग की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती नहीं थी, इसके लिए अमेंडमेंट आई है, इसके लिए मेजरली अमेंडमेंट आई है। पहले मैं एक बार आपको प्रोविजन बता देता हूं पुराना वाला, अगर आप पेज नंबर 3 पर देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस में, ये सारी बातें हमने कर ली हैं, आपने लिख भी ली हैं, ये पुरानी बातें थी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल क्या होता था, पुरानी बातें सिर्फ मैंने दी थी, एक्सेप्शंस मैंने 3 अभी बताई हैं आपको, इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप या एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाते हैं, या इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो जनरली आप बाहर रहते हैं बट कभी कभी इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं, तो आप इन कंडीशन में कवर होते थे और आपके लिए 182 डेज देखा जाता था। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन एंड हैज अ टैक्सी ऑपरेटिंग बिजनेस इन मॉरिशियस, इनका एक मॉरिशियस में बिजनेस है, हिज इनकम फ्रॉम मॉरिशियस बिजनेस 2.5 crores, 2.5 crore की इनकी इनकम हो रही है, He stay in India in previous year 2021 in for 181 days. His stay in India is for 181 days. अब देखिए यहां पर covered हो गए, Indian citizen है, Indian citizen हो गए, exception में covered थे, ठीक है, India आते हैं, generally इनका employment या business बाहर है, India आते हैं but 182 days या उससे कम के लिए, 182 days से कम के लिए, 181 or less के लिए अगर India आते हैं तो he becomes non-resident. तो इनकी इनकम जो मॉरिशस से आ रही है वो कभी इंडिया में टैक्सेबल होगी ही नहीं, ऑल्दो ये काफी कंट्रोल इसको इंडिया से कर लेते होंगे बट इनकी इनकम कभी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती होगी। तो ओल्ड प्रोविजंस क्या कहते थे, ठीक है, 2021 से पुराने वाले जो प्रोविजंस थे वो क्या कहते थे, सर दिस पर्सन बिकम्स मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट और इनकी इनकम हम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे। इन लोगों के लिए अमेंडमेंट लाई गई है, इन लोगों के लिए सेक्शन 6 में जहां पर नंबर ऑफ डेज की बातें हो रही थी वहां पर अमेंडमेंट लाया गया। अमेंडमेंट बताइए क्या आएगी, अमेंडमेंट इनके लिए आएगी, ठीक है, सोचिए क्या आएगी, सर इनकी इनकम टैक्सेबल कर दो, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि इनकी सारी इनकम टैक्सेबल करिए। मेजरली गवर्नमेंट का मोटिव रहता है कि जहां से हमें एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टैक्स मिले वो टैक्सेबल होना चाहिए, छोटा मोटा टैक्स 10-15-20 हज़ार रुपए का तो हम चाहते ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग इसको छुपा रहे हैं तो इट्स ओके, हम मेजर जो मेजर अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है, हम उसको पकड़ना चाहते हैं। तो यहां पर अमेंडमेंट आई है कि ऐसे लोगों की इनकम जब कभी भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही थी, हम इसको भी अपनी टैक्सेबल इनकम में लेना चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कहती है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम, अगर आपकी ऐसी इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है, जो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, जो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, ऐसी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर एक्सीड करती है तब आपके लिए अमेंडमेंट है।
अगर आपकी इनकम 15 लाख से एक्सीड नहीं करती है, सर ये कौन सी इनकम देख रही है 15 लाख की, अभी बता रहा हूं। तो इन केस अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है तब आपके लिए अमेंडमेंट है, अगर 15 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो आपके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहली चीज, ठीक है। और हम इनके लिए जो 182 डेज की कंडीशंस देखा करते थे, 182 डेज की कंडीशंस देखा करते थे और कोई कंडीशन नहीं देखते थे, इनके लिए अब हम सेकेंड कंडीशन भी देखेंगे, सेकेंड कंडीशन भी देखेंगे, ठीक है। पहले मैं क्या कहता था कि इनके लिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखिए 182 डेज की, बट अब ऐसे लोगों के लिए जिनकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, जो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, उसके लिए अब हम सेकेंड कंडीशन भी देखेंगे, बट 60 की जगह 120 देखेंगे, ठीक है। इसकी जगह पर इसको डबल कर दिया गया 120 डेज, मतलब अगर आप 120 डेज और मोर भी इंडिया में हैं, अब देखिए 120 डेज का मतलब क्या हो गया, लगभग 4 महीने, लगभग 4 महीने। अब देखो इतना तो व्यक्ति को इंडिया में रहना भी पड़ेगा ना, अगर उसको इंडिया से कंट्रोल करना है अपना बिजनेस, तो उसको अपनी यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑफिस वगैरह भी संभालना पड़ेगा, ठीक है। अपनी सारी चीजें सेटअप भी करता है वो, कंट्रोल करता है इंडिया में, तो इंडिया में भी उसको ऑफिस कभी कभी आना पड़ेगा। तो यहां पर ये बोला गया कि हम आपके लिए सेकंड कंडीशन भी लगा रहे हैं आपके ऊपर, और बट वो वन पहले तो हम देखते नहीं थे आपकी सेकंड कंडीशन, बट हम अब देखेंगे, और अब कम से कम अगर आप चार महीने प्रिसाइसली 120 डेज बोलना चाहिए हमें, तो अगर आप 120 डेज इंडिया में हैं तो हम आपके ऊपर ये लॉ लगा देंगे और आपको रेसिडेंट मान लेंगे, ठीक है, हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे। तो अब देखिए क्या देखा जाएगा, लॉ क्या आया, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन या फिर आप हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और आप विजिट करने के लिए इंडिया आते हैं, ठीक है, विजिट करने के लिए इंडिया आते हैं, या तो 182 डेज और मोर, बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाला 182 डेज और मोर, या फिर सेकेंड कंडीशन बोली कि 120 डेज और मोर प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर, मतलब वही कंडीशन करी है, बट इनके लिए अब 120 डेज की लिमिट लगा दी गई है। अगर आप 120 दिन भी इंडिया में हैं, प्रोवाइडेड कि जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए वो 15 लाख से एक्सीड करती है, तो हम आपके लिए अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, अब इंडिया में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए, इनकम अराइज इन इंडिया, इसको देखेंगे 15 लाख की लिमिट में। सेकंड, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इसको भी 15 लाख की लिमिट में देखेंगे। तीसरा, इनकम नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, क्या 15 ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, हां अगर वो इंडिया से कंट्रोल्ड है बिजनेस तो, या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो। इस तीन इनकम को बोला गया कि अगर आपकी इन तीनों सोर्सेस से इनकम, फर्स्ट इज दिस वन, दिस इनकम एंड दिस इनकम, ये तीनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर ऐसी इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर ये लॉ लग जाएगा, ठीक है। प्रिसाइसली अगर मैं लॉ की लैंग्वेज में बातें करूं तो इन्होंने कहा कि अगर आपकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी मिल सकता है, अदर देन फॉरेन सोर्सेस। अब देखो अदर देन फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं फॉरेन सोर्सेस के अलावा दूसरी इनकम कौन सी इनकम बची, कह सकता हूं इंडियन इनकम, ठीक है, सिंपल शब्दों में, ऑल्दो वर्ड यूज ऐसा नहीं हुआ लॉ में इंडियन इनकम, बट इंटरप्रिटेशन तो यही हो गई ना, अदर देन फॉरेन मतलब इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम कौन कौन सी होती है, फर्स्ट इनकम अराइज इन इंडिया या डीम टू अराइज इन इंडिया, सेकेंड इनकम रिसीव्ड या डीम टू रिसीव इन इंडिया, और इनकम नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड बट बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसी इनकम। इसको तो स्पेसिफिकली डेफिनेशन में लिखा गया अदर देन फॉरेन सोर्सेस की, कि अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो ऐसी इनकम भी अदर देन फॉरेन सोर्सेज मानी जाएगी, यानी कि 15 लाख की लिमिट में हमें इसको भी देखना है।
तो प्लीज बताइए 15 लाख की लिमिट में हमें किसको नहीं देखना है? सर फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम को नहीं देखना जो बाहर के सोर्सेज से अर्न होती है. कौन सी इनकम बची है? दिस इज, ये आपकी इनकम फॉरेन सोर्स की होती है. तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इनकम, दिस इज फॉरेन सोर्स. ऐसी इनकम आपकी फॉरेन सोर्स से आती है, दिस वन, दिस इनकम इज फॉरेन सोर्स की इनकम. एंड दिस इनकम 1, 2 एंड 3, ये तीनों इनकम आपकी अदर देन फॉरेन सोर्सेज है. कह सकता हूं इंडियन इनकम या अदर देन फॉरेन सोर्सेज. ठीक है, आप अपने जो आपने ड्रॉ किया था उसमें आप ये भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इसके ऊपर एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, ये थी अमेंडमेंट. अभी कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे बट दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अमेंडमेंट किसके लिए आई है? अमेंडमेंट ऐसे लोगों के लिए आई है जो लोग अपनी इंडियन थे, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, बट अपनी प्लानिंग इस तरीके से करते थे स्टे इन इंडिया की कि वो नॉन रेसिडेंट हो जाते थे. जब वो नॉन रेसिडेंट हो जाते थे तो अगर उनका बिजनेस इंडिया से भी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो नॉन टैक्सेबल हो जाता था. गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे. अगर आपकी छोटी मोटी इनकम है 8, 10, 12, 13 लाख की तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आप अमेंडमेंट नहीं है आपके लिए. फिर हम 182 डेज ही देखेंगे, सेकंड कंडीशन हम देखते ही नहीं आपके लिए. बट इन केस योर इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ योर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अदर देन फॉरेन सोर्सेज इज एक्सीडिंग 15 लाख, 15 लाख से एक्सीड है, तो आप थोड़े से सिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं, आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हम करेंगे. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, 15 लाख की लिमिट लग गई इंडियन सिटीजन पर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर. और क्या अमेंडमेंट आई है? इनके लिए देखा जाएगा या तो 182 डेज और मोर, या फिर 120 डेज और मोर प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज. तो इन लोगों को हम बना देंगे रेसिडेंट इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सैटिस्फाइड, तो हम इनको रेसिडेंट बना देंगे. अब दूसरी कंडीशन, दूसरी जो अमेंडमेंट आई वो एडिशनल कंडीशंस में भी आई. एडिशनल कंडीशन क्या बताती है? ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी. पहले क्या था? अभी भी है, बट इन लोगों के लिए वहां पर अमेंडमेंट आई. इन लोगों के लिए आया कि ये ऑर्डिनरी बनेंगे या नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे. तो अमेंडमेंट ये आई एडिशनल कंडीशन में इन लोगों के लिए कि एक बार आप रेसिडेंट बन गए, ऐसे लोग रेसिडेंट बन गए या तो 182 डेज और मोर से, या फिर 120 डेज और मोर से अगर आप रेसिडेंट बन गए हो, तो आप ऑर्डिनरी होंगे या नॉट ऑर्डिनरी होंगे. तो सिंपल बोला गया कि अगर आप 120 डेज या उससे ज्यादा हैं, 120 दिन से तो ज्यादा होंगे ये पक्का, तभी तो रेसिडेंट बने, बट 182 डेज से कम हैं आप, तो नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे आपको. और अगर आप 182 डेज या उससे भी ज्यादा हैं तो ऑर्डिनरी मानेंगे आपको. ठीक है, इसको मैं अभी आपको पढ़ाता हूं, फिर दोबारा से रिपीट करूंगा. मैंने अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है. पहले दोबारा से एक बार देखें, दोबारा से अमेंडमेंट क्या आई है? सर अमेंडमेंट आई है ऐसे लोगों के लिए जिनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है, तो आपके लिए अमेंडमेंट है अदर देन फॉरेन सोर्सेज. अदर देन फॉरेन सोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो इंडिया से है वो भी अदर देन फॉरेन है, अराइज रिसीव अदर देन फॉरेन है, इन दोनों को देखना है. और इनफैक्ट इफ दिस इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम अ बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और अ प्रोफेशन विच इज सेटअप इन इंडिया, तो आपके लिए भी ये अदर देन फॉरेन सोर्सेज ही हो गया है. अगर ये तीनों इनकम मिलाकर 15 लाख से ऊपर है तो आपके लिए अमेंडमेंट है. 120 दिन से अगर ऊपर जाएंगे तो आप रेसिडेंट हो जाएंगे. सर रेसिडेंट हो जाएंगे पर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? 120 दिन से ऊपर जाएंगे बट प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज आपने टच नहीं किया तो नॉट ऑर्डिनरी. 182 डेज से भी ऊपर चले गए तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, पढ़ें एक बार अमेंडमेंट, देखिए क्या आई है. आई एम ऑन पेज नंबर 4, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020. इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अमेंडमेंट आई है. हु विजिट्स इंडिया, इंडिया आते हैं, इंडिया आते तो हैं, कम से कम कितना दिन? 120 दिन. जिनकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, अदर देन, हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस. अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस को मैंने लिख दिया है वैसे इंडियन इनकम, बट आप लोगों के लिए अगर एग्जाम में लिखना हो तो प्लीज लिखिएगा अदर देन
फॉरेन सोर्सेस, कौन सी तीन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज होती हैं? अराइज इन इंडिया, अदर देन फॉरेन सोर्स, अदर देन फॉरेन मतलब इंडियन इनकम, रिसीव इन इंडिया, अदर देन फॉरेन सोर्स। लिख दूं मैं तीनों दोबारा से एक बार, लिख लीजिएगा, डिटेल में बातें कर रहे हैं, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको 100% पूरा अमेंडमेंट्स अच्छे से आ जानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्लो भी चलूंगा यहां पर। फर्स्ट, अदर देन फॉरेन सोर्सेज होगी, अराइज इन इंडिया, अब मैं वो नहीं लिख रहा हूं डीम टू अराइज, एक ही बात होती है, अराइज इन इंडिया और डीम टू अराइज इन इंडिया दोनों इसी में कवर्ड है, रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो बिजनेस है या वो प्रोफेशन है वो इंडिया से कंट्रोल होता है, तो ऐसी तीन इनकम को बोलते हैं हम लोग अदर देन फॉरेन सोर्स, या अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम होती है। लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, ओके। देखिएगा स्पेशल प्रोविजन, इन केस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, दोनों बातें लिखी गई हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जानते हैं आप, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इधर पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, तो हूज टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मतलब ये इनकम इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उन लोगों के लिए अमेंडमेंट है, अगर आपकी इनकम 15 लाख तक है बस तो आपके लिए अमेंडमेंट नहीं है, 15 लाख से ऊपर है आपकी फॉरेन सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम तो आपके लिए अमेंडमेंट रहेगी है। अमेंडमेंट क्या है, 182 डेज और मोर भी देखा जाएगा आपके लिए, और सेकेंड कंडीशन जो हम पहले नहीं देखते थे अब देखेंगे बट थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में, 120 डेज और मोर, तो अब हम पहले तो हम इनको 181 डेज तक छोड़ देते थे बट अगर 181 डेज हो रहे हैं तो हम इसको इनको पकड़ लेंगे, इवन 120 दिन भी हो रहे हैं तो भी हम इनको पकड़ लेंगे, 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द फोर प्रीसीडिंग ईयर, वो सबको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है, और कोई भी एक कंडीशन अगर सैटिस्फाइड हो जाती है, कोई भी एक कंडीशन अगर सैटिस्फाइड हो जाती है तो ये बन जाते हैं रेसिडेंट, ठीक है। अब ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी अब डिपेंड करता है इनके नंबर ऑफ डेज पर, अगर 182 डेज और मोर से भी ऊपर निकल गया तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर 120 डेज से तो ऊपर तो होगा ही है, तो पक्का ही है 120 डेज से ऊपर होगा बट 181 तक रहा तो नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इफ सच पर्सन इज अ रेसिडेंट वेदर दे आर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, तो डिपेंड करता है, यहां पर लिख दूं मैं, अगर वो 120 डेज से 181 डेज तक हैं इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, इन प्रीवियस ईयर, तो ये बन जाते हैं नॉट ऑर्डिनरी, और 182 डेज या इससे ज्यादा हैं प्रीवियस ईयर में तो ऑर्डिनरी, ठीक है, इतना लिख लीजिए बस, प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप, ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, इन पेजेस के इस हैंड आउट का प्रिंट आउट ले लीजिएगा और आप लिखते भी रहिए अभी, चाहे अगर अभी आपने प्रिंट आउट नहीं लिया तो अभी आप अपने रजिस्टर वगैरह में लिख लीजिए बट आई वुड रिकमेंड कि प्रिंट आउट ले लें, ठीक है। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज किसको मानते हैं, जो नीदर अराइज नॉर रिसीव्ड हो और इंडिया से कंट्रोल्ड भी ना हो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम व्हिच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया से बाहरी आपकी ना तो इंडिया में अराइज होती ना रिसीव होती। नोट, इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया
उसको तो हम अदर देन फॉरेन सोर्स इज नॉट रिगार्डेड एज फॉरेन सोर्स इनकम, इसको हम फॉरेन सोर्स नहीं मानते, अदर देन फॉरेन सोर्स मानते हैं, मतलब इसको तो हम इंडियन इनकम ही मानते हैं, ठीक है। तो लॉ ने यहां पर भी क्लियर कर दिया कि फॉरेन सोर्स किसको बोला जाएगा, नॉट फॉरेन सोर्स किसको बोला जाएगा, तो नॉट फॉरेन सोर्स किसको बोला जाएगा, अराइज इन इंडिया नॉट अ फॉरेन सोर्स, रिसीव इन इंडिया नॉट अ फॉरेन सोर्स, नीदर अराइज नॉट रिसीव बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इसको भी अदर देन फॉरेन सोर्स माना जाएगा। 15 लाख की लिमिट में ये तीनों चीजें आएंगी, आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से कुछ एग्जांपल देखें। मिस्टर बी एक इंडियन सिटीजन है लिविंग इन सिंगापुर, ठीक है, ही कम्स टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग 2021 फॉर 130 डेज, 130 दिन इंडिया में आ गए, 120 बीच आते तो भी चलता, 120 या उससे ज्यादा। Compute his residential status and taxability income. His stay during the four preceding year is 400 days. पिछले चार साल में भी इनका स्टे 400 दिन है। अब मुझे बताइए, अगर इस पे पुराने में प्रोविजन लगा देता, ठीक है, अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स 15 लाख या उससे कम है तो इनके ऊपर पुराने प्रोविजन लगेंगे, 182 डेज ही देखेंगे। बट अगर इनकी इनकम 15 लाख से ऊपर चली जाती है तो इनके ऊपर नए प्रोविजन लग जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी इनकम देखनी है इनकी, इनकम अराइजिंग इन इंडिया, इसको भी देखना 15 लाख की लिमिट में, अराइजिंग इन इंडिया ये तो, इसको 15 लाख की लिमिट में देखिएगा। इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया, इसको भी 15 लाख की लिमिट में देखिएगा। इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर, इसको मत देखिएगा सर, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होती तब देख लेते आप। जैसे नीचे लिखा हुआ है इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, इसको भी 15 लाख की लिमिट में आप देखिएगा। तो हमने ये तीनों लिमिट देखी, 4 लाख 10 लाख प्लस 16 लाख विच इज मच हायर देन 15 लाख, इनके ऊपर अमेंडमेंट आ गई। तो अगर इनके ऊपर अमेंडमेंट आ गई है, अब ये रेसिडेंट बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे सर, इनका स्टे 182 डेज से कम है, ठीक है, बट 130 डेज है, बट सेकंड कंडीशन क्या थी, 120 डेज ये उससे ज्यादा है, पिछले चार साल में 365 डेज से ज्यादा था, 400 दिन था, तो ये बन जाएंगे रेसिडेंट। पर कैसे रेसिडेंट बनेंगे, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, क्यों सर, स्टे ना 182 डेज या उससे ज्यादा होता तो ऑर्डिनरी बनते, अभी नॉट ऑर्डिनरी बनेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, 4 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा और 16 लाख भी हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी है। 44 टैक्सेबल हो पाएगा क्या, रेसिडेंट है, अरे नॉट ऑर्डिनरी है ना, तो नॉट ऑर्डिनरी तो आपको पता ही है, नॉट ऑर्डिनरी इस वाले लेवल पर आता है। नॉन टैक्सेबल कौन सी इनकम है, जो इंडिया से अराइज भी नहीं हुई, रिसीव भी नहीं हुई और इंडिया से कंट्रोल भी नहीं था, तो यहां पर 44 लाख को टैक्सेबल मत करिएगा और बाकी को आप टैक्सेबल कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इफ यू कम टू थर्ड एग्जाम्पल, इट सेज मिस्टर सी इज एन इंडियन सिटीजन एंड लिविंग इन सिंगापुर, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, इसका मतलब अमेंडमेंट लग सकती है इनके ऊपर। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से ऊपर चली जाए। तो मिस्टर सी इज एन इंडियन सिटीजन, ही इज लिविंग इन सिंगापुर, ही कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 130 डेज, ठीक है, 130 डेज के लिए इंडिया आते हैं और पिछले चार साल में 400 दिन इंडिया में थे, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर डेज दिए गए हैं लास्ट एग्जांपल की तरह। तो हम देखते हैं सर 120 डेज से भी ज़्यादा आ रहे हैं, 365 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं पिछले चार साल में, तो रेसिडेंट मान लेते हैं। अरे एक मिनट देखिए, क्या अमेंडमेंट इनके ऊपर लग भी रही है या नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी होती है, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस अगर वो 15 लाख से ज़्यादा है तभी आप इनके ऊपर अमेंडमेंट लगाइएगा, ठीक है, अदरवाइज तो फिर वो तो 182 डेज ही मानेंगे अगर इन केस वो 15 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम तो। ओके, चेक करते हैं इनकम, इनकी इनकम कहां कहां से आती है। इनकम अराइजिंग इन इंडिया, ठीक है, अराइजिंग इन इंडिया, रिसीव्ड इन सिंगापुर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अराइजिंग तो इंडिया में हो रही है, अदर देन फॉरेन सोर्स की इनकम है कंसिडर की जाएगी, 15 लाख की लिमिट में कंसिडर कीजिएगा। सेकेंड है इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, अगेन कंसिडर किया जाएगा इसको भी। इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर नो, ठीक है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ तो आंसर इज नो, इसको हम नहीं लेंगे। इनकम
ये तो फॉरेन सोर्स की हो गई ना, हमें क्या देखना है अदर देन फॉरेन सोर्स. इनकम अराइजिंग इन सिंगापुर फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. हाँ जी, इसको भी हमें देखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अगेन अदर देन फॉरेन सोर्स. कितना होता है टोटल करेंगे आप तो 2 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख ही हो पाया है. तो यहां पर 15 लाख से एक्सीड नहीं किया. अगर एग्जैक्ट 15 भी आता ना, एग्जैक्ट अगर 15 भी आता तो भी अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं थे. वो क्या कहते हैं, इट शुड एक्सीड 15 लाख रुपीज. तो यहां पर तो मिस्टर सी, ऑल दो ये 120 डेज से ज्यादा है, बट हम इनको अमेंडमेंट में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इज नॉट मोर देन 15 लाख रुपीज. तो इनके ऊपर आप 182 डेज की कंडीशन ही लगाएंगे तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट. तो नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे. कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल करेंगे फिर उस केस में? उस केस में हम सिर्फ इनकी 2 लाख इनकम अराइजिंग इन इंडिया, डीम टू अराइज इन इंडिया, इन दोनों को तो हम टैक्सेबल कर पाएंगे, बट सिंगापुर वाली इनकम तो टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन रेसिडेंट की इनकम है. और अगेन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल करेंगे, द आंसर इज नो, नॉन रेसिडेंट है, तो इसको भी टैक्सेबल नहीं कर पाएंगे. उस केस में 2 + 8 सिर्फ 10 लाख को ही टैक्सेबल कर दीजिएगा. ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं. डन, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 3. एक और एग्जाम्पल पर आते हैं. एग्जाम्पल 4 कहता है मिस्टर डी इज अ यूएस सिटीजन लिविंग इन सिंगापुर. ही कम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग 2021 फॉर 90 डेज. प्रीवियस ईयर में थे 90 डेज. सर 120 डेज से कम थे. अच्छा 120 डेज देखना है कि? हाँ सर. अरे नहीं देखना 120 डेज इनके लिए. क्यों नहीं देखना? अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं है, ही इज अ यूएस सिटीजन. ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अमेंडमेंट में ये आएंगे ही नहीं. रीजन बींग, अमेंडमेंट आती है इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तब आपके लिए हमने 120 डेज वाला एक नया डेज लिमिट रखी है, अदरवाइज ये अमेंडमेंट में कवर्ड नहीं है. ठीक है. अच्छा, क्या ये एक्सेप्शन में कवर्ड है जो पुरानी एक्सेप्शन होती है? नहीं सर, वहां पर भी कवर्ड नहीं है. क्यों? एक्सेप्शन में कवर्ड होते हैं इंडियन सिटीजन, अगर आप इंडियन शिप में क्रू मेंबर हैं, या फिर आप इंप्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर इंडियन सिटीजन हो, इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, तो ये एक्सेप्शन में भी कवर्ड नहीं है. तो ही इज नीदर कवर्ड इन अमेंडमेंट नॉर इन एक्सेप्शंस. तो इनके ऊपर तो वही पुरानी लिमिट लगाई है. पुरानी लिमिट कौन सी? अगर ये प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा है, या फिर दूसरी लिमिट प्रीवियस ईयर में 60 डेज प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर है, तो हम इनको रेसिडेंट मान लेंगे. ठीक है, इनके ऊपर तो नॉर्मल लिमिट लगेगी. तो कितने दिन थे प्रीवियस ईयर में? ये 90 डेज. पिछले 4 साल में 400 दिन. तो ये सेकेंड कंडीशन को फुलफिल कर देंगे तो बेसिक कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है. तो बेसिक कंडीशन बता देती है कि ये बन जाते हैं रेसिडेंट. So he will become a resident during this previous year. अब जैसे ही पता चलता है resident, second चीज क्या पूछे? Ordinary या not ordinary? पुरानी limit लगाई है. पिछले 7 साल में, पुरानी amendment से पुरानी बातें हैं. ठीक है, पिछले 7 साल में 730 days और more हो, या फिर and दोनों condition satisfy करनी पड़ती हैं. पिछले 10 साल में से किसी 2 साल में resident बन जाए. तो फिर इनके पिछले 7 साल वगैरह देखेंगे. 7 साल की बातें क्वेश्चन में दी नहीं गई है, तो एज्यूम कर लेते हैं. यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार कि हिज स्टे, आप भी लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 ईयर्स इज लेस देन 730 डेज लिख लेते हैं. ठीक है, यानी कि एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो ये बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी. तो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएंगे. तो नॉट ऑर्डिनरी की इनकम टैक्सेबल होती है क्या? हाँ होती है. कौन कौन सी? इनकम अराइजिंग इन इंडिया, इनकम रिसीविंग इन इंडिया, या फिर इनकम नीदर अराइज नॉट रिसीव्ड बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. तो आप इनके लिए रिसीव इन इंडिया 2 लाख टैक्सेबल कर दीजिएगा, डीम टू अराइज इन इंडिया 8 लाख टैक्सेबल कर दीजिएगा, सिंगापुर 64 नहीं करिएगा, बट हाँ 25 लाख कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बिकॉज ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो 2 + 8 + 25 लाख इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 35 लाख इनकी इनकम बन जाएगी.
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था ये। इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, तो आप हर चीज पर, ऐसा नहीं है कि सीधा 120 दिन लगा देंगे। आप देखिएगा कि क्या हमारा ये एसएससी अमेंडमेंट में कवर्ड है या नहीं है, क्या वो 182 डेज के एक्सेप्शंस में कवर्ड है या नहीं है, या फिर नॉर्मल लिमिट्स लगनी है। ठीक है, तो ये एक अमेंडमेंट थी, मेजर अमेंडमेंट थी जो रेजिडेंशियल स्टेटस में आई है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है, वो कहता है कि इन केस, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी अमेंडमेंट है ये। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए। मिस्टर ए एक, लेट्स से, एक इंडियन सिटीजन है। ही इज एन इंडियन सिटीजन। ये जो अमेंडमेंट है ना, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और आप इंडिया में आते ही नहीं है, आपका स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर में है ही नहीं, आप आते ही नहीं इंडिया में, या आते भी है तो बहुत कम दिन के लिए आते हैं, वेरी लेस, वेरी फ्यू डेज, वेरी लेस, बहुत कम दिन के लिए इंडिया में आते हैं, मतलब आप इंडिया में के हिसाब से तो रेसिडेंट बनते ही नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपके बहुत ज्यादा कम आते हैं, 10, 15, 20, 25 दिन के लिए आते हैं आप, या फिर आते ही नहीं है, तो आप इंडिया में तो बन जाते हैं नॉन रेसिडेंट। और जहां पर आपका बिजनेस चल रहा है वहां पर भी आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, आप वहां पर टैक्स नहीं देते। क्यों, ऐसा कैसे हुआ कि जहां पर ये रहते हैं वहां पर टैक्स नहीं देते? हो सकता है ये टैक्स हेवन कंट्रीज में रहते हो, ठीक है, ब्रिटिश आयरलैंड, केमेन आयरलैंड, या फिर यूएई में रहते हो, दुबई में रहते हो, जहां पर टैक्स नहीं है। तो आप किसी भी कंट्री में, इंडिया में आप नॉन रेसिडेंट हो क्योंकि इंडिया में आप आते नहीं हो, पर हो कौन, आप इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में आते नहीं, इंडिया में आप रेसिडेंट नहीं बनते, किसी दूसरी कंट्री में आपका टैक्स लगता नहीं है। रीजन बीइंग, या तो उस कंट्री के लॉज इस तरीके के हैं वहां पर टैक्सेस नहीं है, या फिर आप अपना स्टे कुछ इस तरीके से वहां पर भी ड्राफ्ट करते हो, इस तरीके से डिजाइन करते हो कि आप अलग अलग कंट्रीज में घूमते रहते हो बहुत कम कम दिन के लिए। ठीक है, पैसे आप बहुत अर्न करते हो और उसका कुछ कनेक्शन इंडिया से है, इंडिया से मतलब अदर देन फॉरेन सोर्स, की इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा आती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करूं, ये अमेंडमेंट, एक नया सेक्शन आया 6(1)A, वो ये कहता है कि इन केस यू आर एन इंडियन सिटीजन और आप इंडिया में रेसिडेंट नहीं हो बन पाते हैं, और आप दूसरी कंट्रीज में भी आपकी टैक्स नहीं आता है, रीजन बीइंग, या तो उस कंट्रीज के लॉज ऐसे हैं, या फिर आपका डोमिसाइल, या फिर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस, वहां पर आपका स्टे बहुत कम रहता है, तो आपकी किसी और कंट्री में टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, बट आपकी इनकम जो कुछ ना कुछ इंडिया से लिंक है, इंडिया से लिंक मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेस, वो इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम आपको हमेशा रेसिडेंट ही मानेंगे, आपको मानेंगे दैट यू आर डीम्ड टू बी रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेजर लॉ आ गया। एक्चुअली ये था एंटी टैक्स अब्यूज। एंटी टैक्स अब्यूज मतलब जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, जो लोग टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रहे थे। इंडियन सिटीजन है, इंडिया से कंट्रोल कर लेते हैं अपना बिजनेस। इंडिया से कंट्रोल कैसे करते हैं, बहुत कम दिन इंडिया आते हैं, आते ही नहीं, बट फिर भी काफी कंट्रोल इनका इंडिया से रहता है। ठीक है, हो सकता है अपने किसी रिश्तेदार को या किसी को भी बिठा दिया यहाँ पर इंडिया में, वहां से वो कंट्रोल करवा रहे हैं अपना बिजनेस। ठीक है, फोन वगैरह पे बातें हो जाती हैं आजकल, और इनकम दूसरी कंट्री से इस तरीके सेटअप कर रखी है कि वहां से भी टैक्स नहीं आता, तो ऐसे लोग काफी ज्यादा, प्रैक्टिकली ऐसे काफी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी इनकम लिमिट लगाई गई 15 लाख से, अगर आपकी 15 लाख या उससे कम इनकम है तो छोड़ देंगे, हम आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं ला रहे हैं, ये उनके ऊपर प्रोविजन ला रहे हैं जिनकी अदर देन फॉरेन सोर्सेस, अदर देन फॉरेन सोर्सेस आप समझते हैं, या तो इंडिया से इनकम हो रही है या फिर बाहर से बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, फॉरेन सोर्सेस की आप डेफिनेशन जानते हैं, तो ऐसे लोगों को भी रेसिडेंट मान लिया जाएगा, बट ये सेक्शन कहता है रेसिडेंट तो मानेंगे बट ऐसे लोगों को हम हमेशा नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ना नॉट ऑर्डिनरी मान के चल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेनली हम लोग चाहते हैं ऐसी इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, उसको हम टैक्स करना चाहते हैं।
ठीक है, जब ये सेक्शन आया तो जो लोग काफी लोग जो बहुत सालों से, ठीक है, काफी लंबे अरसे से इंडिया के बाहर सेटल्ड हैं, उन लोगों में अनरेस्ट आ गया। अनरेस्ट किस बात का आ गया? उन लोगों को डर लगने लगा कि इंडियन गवर्नमेंट की हमारी इनकम भी टैक्सेबल करेगी। तो आंसर इज नो, इंडियन गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। आप इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो इंडिया से बाहर हमेशा के लिए चले गए या बहुत लंबे समय से इंडिया के बाहर रह रहे हैं तो उनकी इनकम भी टैक्सेबल करेंगे। अरे नहीं, ग्लोबल इनकम हम टैक्सेबल करने के मूड में है ही नहीं। क्या बोला गया इनको? नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बोलते तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती। क्या बोला गया? नॉट ऑर्डिनरी। जो आपकी इनकम बाहर से आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है आपका, इंडियन सिटीजन हो आप, पर इंडिया से कोई उस इनकम का कनेक्शन नहीं है, भाई वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम वो उसको टैक्सेबल नहीं करना चाह रहे, हम टैक्सेबल करना चाह रहे हैं अदर देन फॉरेन सोर्स से जो इनकम आती है आपकी, मेनली ऐसी इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और वो इनकम आपकी 15 लाख से भी ऊपर है, ठीक है, 15 लाख से भी ऊपर है, आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया में स्टे भी आपका नहीं आता, 120 डेज भी नहीं आता है। 120 डेज आ जाता है फिर तो आप ऑलरेडी पहली वाली फर्स्ट अमेंडमेंट में चले जाएंगे, बट आपका 120 डेज भी नहीं आता है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी किसी भी कंट्री में नहीं आती, आप इस तरीके से डिजाइनिंग कर रहे हो, अपनी प्लानिंग कर रहे हो, तो हम आपको डीम टू बी रेसिडेंट मान लेंगे और इस केस में हम आपको हमेशा नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे, ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे। ऑर्डिनरी मानते तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती, फिर लोगों को प्रॉब्लम होती, बट यहां पर मेनली ऐसी इनकम जिसका कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक है उसको टैक्सेबल करने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड अमेंडमेंट। यहां पर हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस की अमेंडमेंट खत्म होती है। दो मेजर अमेंडमेंट थी, इस पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बार मैं आपको पढ़ा दूं। पेज नंबर 8 पर न्यू सेक्शन 6(1)(a) इंसर्ट हुआ, टैक्स ऑन स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन मतलब वो किसी भी स्टेट में, किसी भी स्टेट का मतलब यहां पर है किसी भी कंट्री या किसी भी टेरिटरी में, वो लोग कहते हैं कि हम सर वहां के रेजिडेंट ही नहीं है, ठीक है, हम वहां तो बहुत कम दिन रुकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक एंटी अब्यूज प्रोविजन। एंटी अब्यूज मतलब, ठीक है, जो लोग टैक्स इवेड कर रहे थे उनके ऊपर इन लोगों ने एक चोट पहुंचाई है इंडियन गवर्नमेंट ने कि अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोला गया यहां पर, सिटीजन ऑफ इंडिया है, आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस 15 लाख से एक्सीड करती है तो हम आपको डीम टू बी रेसिडेंट मान लेंगे अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? या तो वाकई लॉज इस तरीके के हैं या फिर आप अपना रेसिडेंस या डोमिसाइल इस तरीके से शो करते हैं, आप रहते इतना कम है कि आप वहां पर कभी टैक्स ही नहीं देते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर हम टैक्सेबल कर देंगे और हमेशा आपको नॉट ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, हमेशा यहां पर इस केस में आपको नॉट ऑर्डिनरी ही माना जाएगा, ठीक है। फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है वो तो आप जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये दो अमेंडमेंट थी रेसिडेंशियल स्टेटस में, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, ठीक है। सेकेंड अमेंडमेंट पर आ जाए, सेकेंड चैप्टर है हमारा सेक्शन 10 वाला, ठीक है, इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एक सेक्शन 1026 है, जो लोग स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी के मेंबर्स हैं और वो लोग रहते हैं कुछ स्टेट्स में, एक सेक्शन 1026 है, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको ए ग्रेड का नहीं मानूंगा सेक्शन फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है कि जो लोग रहते थे मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या कुछ इस तरह के एरियाज में, लद्दाख में, वहां पे लिखा था रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ यू अंडरस्टैंड लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी नाउ, तो सिर्फ यहाँ पर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिलीट करा गया था 1026 में। तो ऐसे लोगों की इनकम अगर ये यहाँ से रहते हैं तो ऐसी इन लोगों की इनकम, पुराना सेक्शन रिपीट कर रहा हूँ, ये पुराना सेक्शन था, अगर आप यहाँ पर रहते हैं, आपका यहाँ का डोमिसाइल है और आप यहाँ पर इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी इनकम अर्न करते हैं तो आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, या फिर अगर आपकी कोई दूसरी पैसिव इनकम आती है, पैसिव इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट की इनकम आती है तो इन लोगों की इनकम एग्जेम्प्ट होती थी। तो ये पुराना सेक्शन था बट यहाँ पर सिर्फ एक चेंज आया है कि यहाँ पर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिलीट कर दिया गया है इस वर्ड्स को, तो नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बट हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है दोनों ही।
1034 आप सेक्शन जानते होंगे, इंपॉर्टेंट 1035, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। क्या था, हमारी जो डिविडेंड इनकम होती थी, डिविडेंड इनकम मिलता था हमें डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी का तो हमेशा टैक्सेबल होता था, बट जो डोमेस्टिक कंपनी से मिलता था वो एग्जेम्प्ट होता था। पहले तो पूरा एग्जेम्प्ट होता था, फिर बाद में कर दिया कि 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल है। अब पुरानी बातें बिल्कुल भूल जाइए, आज अगर आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, यू आर अ शेयर होल्डर, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पक्का आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन तो होगा ही डिविडेंड के ऊपर। आज आपको जितना भी डिविडेंड मिले, चाहे 1 लाख 2 लाख 10,000 15,000, जितना भी डिविडेंड मिलता है, फॉरेन कंपनी तो हमेशा टैक्सेबल होता था, आज डोमेस्टिक कंपनी का से भी मिलेगा तो टैक्सेबल होगा। आपको डोमेस्टिक कंपनी से भी अगर डिविडेंड मिलेगा तो भी टैक्सेबल होगा। कितना मिले, कितना भी मिले, 5,000 10,000 20,000 25,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख, जितना भी मिलेगा, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर IFOS। ठीक है, पहले क्या होता था, पुरानी बातें थी, CDT लगता था 1154 में, कंपनी CDT पे कर किया करती थी, 1154 हटा दिया गया है। 97 में ये 1154 आया था, उससे पहले डिविडेंड टैक्सेबल होता था, मतलब पुराना लॉ दोबारा से आ गया है। ठीक है, जो 97 से पुरानी 1997 से पुरानी बातें होती थी, वही सेक्शंस अब दोबारा आ गए हैं, तो 1034 यहां से अब विड्रॉ हो गया है। तो नाउ डोमेस्टिक कंपनी से भी इनकम जो मिलेगी वो भी टैक्सेबल होगी, 1034 को हटा दिया गया है। इसी तरीके से 1035 था, जो आपको इनकम मिलती थी फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ठीक है, आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, उसके ऊपर जो इनकम आती है उसको भी हम डिविडेंड ही कह देते हैं। तो आपको जो इनकम मिलती है अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट से, ठीक है, तो वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं होती थी, आज वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, उसके ऊपर भी CDT म्यूचुअल फंड कंपनीज को देना पड़ता था, नाउ इट इज नाउ विड्रॉन, CDT नहीं लगेगा, आज यूनिट होल्डर को टैक्स देना है। ठीक है, लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या स्पेसिफाइड कंपनी या म्यूचुअल फंड, इट इज नाउ टैक्सेबल। ठीक है, म्यूचुअल फंड सर ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग या स्पेसिफाइड कंपनी, पुरानी बातें हैं बट फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, पहले होता था UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अगेन वन ऑफ द म्यूचुअल फंड एक तरीके से। तो UTI में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कुछ स्कैम हुआ था, उसके बाद इसके दो पार्ट कर दिए गए थे, वन वाज स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा बट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या चीज़ें होती हैं। तो दीज आर नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। UTI स्प्लिट हो गया था बिटवीन स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग एंड स्पेसिफाइड कंपनी, तो ये भी UTI के पार्ट से म्यूचुअल फंड। तो आज आपको म्यूचुअल फंड से इनकम मिलेगी, पहले क्या होता था, एग्जेम्प्ट होती थी, नाउ जब आपको म्यूचुअल फंड से कोई भी इनकम मिल रही है, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड अ काइंड ऑफ डिविडेंड, तो ये भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो सच इनकम इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर एंड नाउ सेक्शन 1035 इज नाउ इनऑपरेटिव। 1035 भी अब हट गया सेक्शन है। ठीक है, अच्छा आज अब ध्यान से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आज इन्फोसिस के शेयर्स हैं। ठीक है, आपके पास इन्फोसिस डोमेस्टिक कंपनी है, आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं और आपको डिविडेंड मिलता है लेट से 50,000 रुपये का। ठीक है, आपके पास कुछ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इन्फोसिस आपको डिविडेंड देती है 50,000 रुपीज़ का, तो नाउ इट इज टैक्सेबल। कौन से हेड में, IFOS में। क्या इन्फोसिस उसके ऊपर TDS भी डिडक्ट, CDT तो अब होगा नहीं, CD कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को तो भूल जाइए। ठीक है, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो CDT जैसे वर्ड शायद जानते भी ना हो, तो अच्छी बात है, छोड़ दीजिए अब उसको, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा था, तो देर इज नो सच थिंग लाइक CDT नाउ। अच्छा मैं वापस आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फोसिस हूँ, मैंने आपको डिविडेंड दिया, ठीक है, लेट से 50,000 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, तो आज आपके हाथों में वो टैक्सेबल होगा, उसको आप प्लीज अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो कीजिएगा IFOS में। क्या मैं जब मैं आपको पैसे दूंगा तो क्या मैं इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट करूंगा, द आंसर इज येस, मैं इसके ऊपर TDS भी डिडक्ट करूंगा। 194 होता है ये, मैं TDS के चैप्टर में डिस्कस करूंगा। तो वहां पर डिविडेंड जब डोमेस्टिक कंपनी देगी तो आज TDS भी डिडक्ट करेगी अंडर सेक्शन 194। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको इनकम देगी तो नाउ इट इज टैक्सेबल इन योर हैंड्स, आपके हाथों में टैक्सेबल है, और म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको पैसे देगी तो TDS भी डिडक्ट करेगी। 194K सेक्शन है, ठीक है,
आज म्यूचुअल फंड कंपनी जब आपको पैसे देगी तो टीडीएस भी डिडक्ट करेगी, ठीक है। सीडीडी नहीं है, टीडीएस है, ठीक है। नॉर्मल टीडीएस आप जानते हैं, टीडीएस के प्रोविजंस, ये सेक्शंस 194 और 194 के मैं डिस्कस करूंगा टीडीएस में, ठीक है। अमेंडमेंट लेक्चर्स में डिस्कस होगा नेक्स्ट पार्ट में, बट इन दोनों को भी हमें जो डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज आपको सैलरी इनकम मिलती है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिया हुआ मिस्टर ए की सैलरी इनकम है 5 लाख कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दी जा चुकी होगी। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इसको भी टैक्सेबल कीजिएगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इसको भी टैक्सेबल कीजिएगा, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड यूनिट इसको भी टैक्सेबल करना। पुराना प्रोविजन क्या होता था, पुराना प्रोविजन में सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होती, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड टैक्सेबल होता बस। तो पुराना लॉ जब था 2020 एग्जामिनेशंस तक तो 5 लाख और 1 लाख 6 लाख टैक्सेबल करते, बट नाउ दिस 2 लाख विल ऑल्सो बिकम टैक्सेबल, 350 विल ऑल्सो बिकम टैक्सेबल। तो आप ये चारों इनकम आज टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। सेक्शन 10AA तो हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ही लेता है 10AA के ऊपर। इसमें कुछ अमेंडमेंट नहीं है, इसमें कुछ अमेंडमेंट एज सच नहीं है, बस एक छोटा सा एक पॉइंट डाला गया है। सेक्शन 10AA पता होता है क्या होता है, टैक्स हॉलीडे। जो लोग SEZ यूनिट हैं, ठीक है, जो SEZ यूनिट हैं वो अपनी SEZ में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं या फिर अपना ऑफिस खोलते हैं, तो इनको टैक्स हॉलीडे मिलता है 15 साल तक, शुरू के 5 साल तक इनको प्रॉफिट्स के ऊपर अपना 100% की डिडक्शन मिलती है, फिर नेक्स्ट 50% की, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50%, पुरानी बातें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 50% किया जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं SEZ रिजर्व में, विच एवर इज लोअर, तो वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर ये था कि अगर आपकी अंडरटेकिंग, ये आपने अंडरटेकिंग सेटअप की हो 2005 के बाद अप टू 31 मार्च, ये था अप टू 31 मार्च 2020 तक अगर आपने यूनिट लगा दी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 31 मार्च 2020 तक अगर आपने यूनिट लगा दी है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है सर। तो उसके बाद सेक्शन डिलीट हो गया, अरे सेक्शन डिलीट नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 1 जनवरी 2020 को, इससे 2-3 महीने पहले अगर आपने यूनिट लगाई है तो वो एलिजिबल तो होगा ना अगले 15 साल तक की रिडक्शन करने के लिए। तो ये सेक्शन तो 2035 तक भी चल सकता है, क्योंकि वो तो अगले 15 साल तक डिडक्शन लेता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सेक्शन डिलीट हो गया, नहीं, बट हाँ वो जो डेट थी कि आपकी सेक्शन 10AA उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया हो अप टू 31 मार्च 2020, ठीक है। अब यहां पर एक छोटी सी बात इंसर्ट की गई है कि कुछ लोगों को अगर 31 मार्च 2020 तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए थे, कुछ लोग अपना 31 मार्च 2020 तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए थे बट उनको अप्रूवल मिल गया था SEZ एक्ट के अंदर, उनको अप्रूवल मिल गया था कि दैट यू कैन स्टार्ट योर यूनिट इस डेट पर या इस डेट से पहले पहले, ठीक है, अप्रूवल मिल गया था, सब लोग समझ रहे हो, बट किसी भी रीजन से स्टार्ट नहीं कर पाए थे। अगर वो अगले 1 साल तक भी ऐसे लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी यूनिट तो उनको भी 10AA मिल जाएगा। तो बस एक छोटी सी बात इंसर्ट की गई है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको अप्रूवल मिल गया था, अप्रूवल SEZ एक्ट के अंदर आपको अप्रूवल मिल गया था इस डेट से पहले पहले, और अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है अप टू 1 ईयर, यहां से 1 साल तक भी, मतलब 31 मार्च 2021 तक भी स्टार्ट कर दिया है अपनी यूनिट, तो आप लोगों के लिए भी 10AA मिल जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। मैंने यहां पर एग्जाम्पल भी दिया है, पुराना ही एग्जाम्पल है, कोई अमेंडमेंट नहीं है इसमें, बट मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है जिससे कि आप लोग इसको रिवाइज कर सकें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तो प्लीज इस एग्जाम्पल को आप जरूर करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, पुराने ही एग्जाम्पल है, बट मैंने यहां पर इसलिए कोट कर दिया है कि वापस रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये था फर्स्ट पार्ट अमेंडमेंट के लेक्चर का, ठीक है। बाकी सैलरी में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा करने के लिए, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।